नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर रुचि चौधरी और आप देख रहे हैं वायरल डॉक्टर। दोस्तों, आज का मेरा ये वीडियो मेरी उन प्यारी प्यारी सखियों के लिए है जो हमेशा ये शिकायत करती हैं कि मेरे हस्बैंड तो मुझसे प्यार ही नहीं करते, हमेशा मुझे डांटते रहते हैं, कभी मेरे लिए कोई गिफ्ट नहीं लेके आते, कभी कहीं मुझे घुमाने नहीं लेके जाते, और भी बहुत सारी शिकायतें। तो आज इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आई हूँ कुछ ऐसे सिंपल टिप्स, अगर आप उनको फॉलो करेंगी तो आप परफेक्ट वाइफ बन पाएंगी। पर उसके लिए वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें और कोई भी पॉइंट मिस ना करें। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ उसे लाइक ज़रूर करें, शेयर ज़रूर करें, और अगर आपने चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो चलिए शुरू करते हैं। तो टिप नंबर 1, सही समय पर सही बात करें। हमेशा मौका देखकर और बहुत ही शांति के साथ माहौल देखकर आप अपनी बात कहें। और सबसे बड़ी बात, कंप्लेनिंग नेचर कभी ना रखें। कुछ फीमेल्स होती हैं जो बात बात पर कंप्लेंस करती हैं, ये अच्छा नहीं हुआ, वो अच्छा नहीं हुआ, ये ऐसा है, वो ऐसा है, वो मेरे साथ ऐसा व्यवहार करता है। तो ये चीज़ें आपको नहीं करनी है। अगर आपको कोई चीज़ बुरी लगती है तो आप उसको हस्बैंड के साथ अकेले में डिस्कस करें, पहले घर में शांति का माहौल बनाएं और फिर अपनी बात को बड़े ही आराम से, प्यार से और शांति के साथ अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखें। अगर आपको अपने हस्बैंड की कोई बात अच्छी नहीं लग रही है तो उसे सबके सामने ना बोलें, ये बात भी आपको अकेले में मौका देखकर बोलनी है। टिप नंबर 2, हमेशा खुश रहें, अपने माथे पर कभी भी बल ना डालें और अपनी हेल्थ का भी ध्यान हमेशा रखें। अगर आप खुश रहेंगी, हेल्दी रहेंगी, तभी आप पूरे परिवार को खुश रख सकती हैं, हेल्दी रख सकती हैं। अगर आप हर समय माथे पर बल डाल के रहेंगी, बीमार रहेंगी, तो आपका ध्यान केवल उन्हीं चीज़ों में रहेगा और आप अपने आसपास वाले किसी भी आदमी के ऊपर ध्यान नहीं दे पाएंगी। टिप नंबर 3, अपनी प्रायोरिटीज़ का ध्यान रखें। आपको किस चीज़ को प्राथमिकता देनी है, इस चीज़ का ध्यान हमेशा रखें। अपने हस्बैंड को, अपनी फैमिली को अपनी फर्स्ट प्रायोरिटी बनाएं। ऐसा कभी भी ना करें कि अगर आपके हस्बैंड बीमार हैं या फैमिली में कोई भी मेंबर बीमार है और आप अपने मायके चले जाएं या फिर किसी और काम के लिए चले जाएं, तो आपको ऐसा कभी नहीं करना है। अपनी प्रायोरिटीज़ का ध्यान हमेशा रखना है। टिप नंबर 4, अपने हस्बैंड को रेस्पेक्ट दीजिए और टाइम दीजिए। हमेशा आप अपने काम में बिज़ी ना रहें। जब भी आपके हस्बैंड बाहर से आते हैं, ऑफिस से घर आते हैं, तो आप सारा काम छोड़कर उनके ऊपर ध्यान दीजिए और उनकी रेस्पेक्ट कीजिए। अगर वो आपसे कोई बात कहते हैं तो उसे ध्यान से सुनिए और ध्यान से सुनकर ही बात पर रिएक्ट करें। एक सर्वे के अनुसार हस्बैंड वाइफ कितने भी बिजी रहें, अगर उनका बहुत हेक्टिक शेड्यूल है, बिजी लाइफ है, पर फिर भी वो साथ में खाना खाते हैं या चाय पीते हैं, तो उनकी मैरिड लाइफ में कॉम्प्लिकेशंस बहुत कम होते हैं। ऐसा मैं नहीं कह रही हूँ, ये एक सर्वे हुआ है, उससे पता चला है। इसके पीछे रीज़न क्या है कि अगर आप साथ में बैठेंगे, दिन में 24 घंटे में से कुछ भी समय आप साथ में बिताएंगे, तो उस समय आप अपनी फीलिंग्स शेयर कर सकते हैं, अपना शेड्यूल शेयर कर सकते हैं, बातें शेयर कर सकते हैं, तो वो आपकी लाइफ को बहुत ईजी बना देता है। इसके बाद अगला टिप है कि टोंट कभी ना मारें। अगर आपका फैमिली स्टेटस आपके हस्बैंड के फैमिली स्टेटस से ज़्यादा है या आप अपने हस्बैंड से ज़्यादा सैलरी लेती हैं, तब भी आपको किसी भी चीज़ को लेकर टोंट कभी नहीं मारना है। या आप शादी में अपने अपने पेरेंट्स के घर से बहुत कुछ लेकर आए हैं, तो आपको किसी भी चीज़ का टोंट अपने हस्बैंड के ऊपर नहीं मारना है, क्योंकि ये सब चीज़ें बहुत हर्ट करती हैं। आपको अंदाज़ा भी नहीं होगा, बहुत नुकसान होता है इन सब चीज़ों से। इसके बाद अगला टिप है, अंडरस्टैंडिंग नेचर रखें। मान लीजिए कभी आपके बच्चों की समर वैकेशंस हुए और आप लोगों का प्लान है कहीं बाहर घूमने जाने का और आपके हस्बैंड को ऑफिस से छुट्टी नहीं मिली, तो ऐसी सिचुएशन में कभी भी ज़िद ना करें। सिचुएशन को समझकर चलने की कोशिश करें। इसके बाद अगला टिप है कि ओवर रिएक्ट कभी ना करें। कई बार ऐसा होता है कि फैमिली में या कहीं भी सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है, तो ऐसे में आपको सेल्फ कंट्रोल बिल्कुल भी नहीं खोना है और देखकर रिएक्ट करना है, सोच समझकर बातों को बोलना है। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि हम बातें बोल तो देते हैं गुस्से में आकर,
पर बाद में फिर हमें उन चीज़ों के लिए पछताना पड़ता है। तो ऐसा काम ही मत कीजिए कि आपको बाद में उसके लिए पछताना पड़े। इसके बाद अगला टिप है कि हस्बैंड की तारीफ भी ज़रूर करें। अगर आपको अपने हस्बैंड की कोई बात पसंद आती है या कोई भी काम आपको अच्छा लगता है जो वो करते हैं, तो उनकी भी तारीफ ज़रूर कीजिए, क्योंकि जैसे फीमेल्स को अपनी तारीफ़ सुनना पसंद होता है, ऐसे ही मेल्स को भी अपनी तारीफ़ सुनना पसंद होता है। जब भी वो कोई अच्छा काम करें, आपके लिए कोई गिफ्ट लेकर आएँ, आपको कहीं घुमा कर लाएँ, या आपकी पसंद का कोई भी काम करें, या ज़रूरी नहीं है कि आपकी पसंद का हो, कुछ भी अच्छा करें, किसी के लिए भी करें, तो उनकी तारीफ़ ज़रूर करें। इसके बाद अगला टिप है कि हस्बैंड के फैमिली मेम्बर्स का भी ध्यान ज़रूर रखें। जितना प्यार आप अपने भाई बहन से, अपने माँ बाप से, अपने रिलेटिव से करते हैं, इतना उनकी फैमिली से और उनके रिलेटिव से भी करें। अगला टिप है कि झगड़ा होने पर भी बात करना बंद ना करें। देखिए, हर कपल्स के बीच में झगड़े होते हैं, लड़ाई झगड़े होना एक बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है, पर आपको क्या करना है कि किसी भी झगड़े को लंबा नहीं खींचना है और बात करना तो बिल्कुल भी बंद नहीं करना है। बहुत सारी वाइफ्स ऐसी होती हैं जो ज़रा सा झगड़ा होते ही अपने मायके चली जाती हैं या फिर मायके जाने की धमकी देने लगती हैं। इसके बाद अगला टिप है कि गलती होने पर सॉरी ज़रूर बोलें, क्योंकि अगर हमसे कोई गलती होती है तो, और अगर हम उसके लिए सॉरी बोल दें, तो ये कोई नुकसान नहीं होता इसमें, ये बड़प्पन होता है अपने रिश्ते को बचाने के लिए। बचपन में कई बार ऐसा होता था कि हम माँ बाप के साथ भी झगड़ा करते थे, भाई बहनों के साथ भी झगड़ा करते थे, दोस्तों के साथ झगड़ा करते थे, पर क्या होता था, थोड़ी देर बाद हम फिर से एक दूसरे को मना लेते थे। तो आपको क्या करना है, यहाँ भी सेम ही सिचुएशन है, हस्बैंड वाइफ का रिलेशन भी ऐसा ही रिलेशन है, तो आपको क्या करना है कि एक दूसरे को मना लेना है, सॉरी बोल दें। अगर आपको लगता है आपकी गलती है तो सॉरी ज़रूर बोलें और हस्बैंड को मना लें। इसके बाद अगला टिप है कि अपने लुक्स और अपने बिहेवियर पर ध्यान दें। एक हस्बैंड हमेशा अपनी वाइफ से यही एक्सपेक्ट करता है कि वो खूबसूरत दिखे, सबके साथ अच्छा व्यवहार करे, सलीके से कपड़े पहने, सलीके से सबसे बात करे, तो आपको इन सारी चीज़ों के ऊपर ध्यान देना है। आप चाहें तो मैंने एक इस पर एक वीडियो बनाया हुआ है फीमेल्स के लिए, आप चाहें तो मेरे चैनल पर जाकर उसे देख सकते हैं, उसका लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। इसके बाद अगला टिप है कि हस्बैंड को स्पेस ज़रूर दें। बहुत सारी वाइफ्स ऐसी होती हैं जो हमेशा अपने हस्बैंड से यही क्वेश्चंस करती रहती हैं, क्या, क्यों, कैसे, कब, कौन। अगर किसी का फ़ोन आया है, हस्बैंड बात कर रहे हैं, तो सारा काम छोड़ के वो ये देखती हैं कि किससे बात कर रहे हैं, या बार बार क्वेश्चनिंग करती हैं कौन था, कैसे, कहाँ। तो थोड़ी सी स्पेस आप अपने हस्बैंड को भी दीजिए, और कोशिश कीजिए कि आप अपने घर में ऐसा माहौल बनाएं कि हस्बैंड खुद ही आपसे सारी चीज़ें शेयर करें, आपको कोई भी बात पूछने की ज़रूरत ही ना पड़े। इसके बाद अगली टिप है कि अपनी पसंद हमेशा अपने पति के ऊपर ना थोपें। वो चाहे खाना हो या कोई भी काम हो या कुछ भी चीज़ हो, आपको उसका ध्यान ज़रूर रखना है। हमेशा अपनी पसंद उनके ऊपर अप्लाई नहीं करनी है, हमेशा अपनी पसंद उनके ऊपर ना थोपें। आप ध्यान रखें कि उन्हें क्या पसंद है। अगर उन्हें खाने में कोई पर्टिकुलर चीज़ पसंद है, आपको वो बनानी नहीं आती, तो उसको सीखें। कैसे भी सीखें, चाहे आप अपनी मदर इन लॉ से सीखें या यूट्यूब से सीखें, कैसे भी सीखें, पर हफ्ते में कम से कम एक बार अपने हस्बैंड की पसंद का खाना उनको ज़रूर बनाकर खिलाएं। क्योंकि आपने ये तो सुना ही होगा कि दिल का रास्ता पेट से होकर जाता है। तो ये थे कुछ बहुत ही आसान टिप्स, और मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों ने बहुत ही ध्यान से इन्हें सुना होगा और आज से ही इन्हें फॉलो करना भी शुरू कर देंगी, और फिर देखिएगा कि कैसे बहुत ही जल्दी आपकी लाइफ कम्प्लीटली चेंज हो जाएगी और आपकी सारी शिकायतें दूर हो जाएंगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ इसे लाइक ज़रूर करें, शेयर ज़रूर करें, और चैनल आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर करें, और कमेंट सेक्शन में मुझे कमेंट करके ये भी ज़रूर बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, और अगर कोई पॉइंट रह गया हो तो वो भी आप मुझे ज़रूर बताएं। थैंक यू।